أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها بس ये जितना झाड़ेंगे उतना निकलेगा, वो रुई की होती है। अस्सलाम वालेकुम। साय में खड़ा हो गया था मैं इसलिए। अच्छा, आवाज निकालो। तो आप निकाल तो रहे हैं। अच्छा, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। क्यों? धूप गर्मी हो रही है तो गर्मी हो, गर्मी के मौसम में गर्मी होगी। मैं सुकून था। अल्हम्दुलिल्लाह बोले। केले 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 पकड़ो। जुम्मा मुबारक कौन कहेगा? बस गर्मी सुना दी अपनी। जुम्मा मुबारक। रमजान का पहला जुम्मा। पहला जुम्मा मुबारक सबको, मेरे भाइयों, इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों। हां ओके, थोड़ा सा पावर नैप ले लें, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, आप लीजिए। ओके व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला जुम्मा, चौथा रोज़ा गुजरने को है, यानी इफ्तार का वक्त करीब है। इस वक्त बजे 6:20 और 6:06 आई थिंक 1 मिनट। जुमेरात जुम्मा 6:41 जो है रोज़ इफ्तार होगा कराची और उसके मुज़ाफ़ात में। जुनेद गए फ़िलहाल गैस भरवाने, बिकॉज रमज़ान का भी एहतराम नहीं है गैस ना होने के बराबर। यानी 3 बजे इतनी फुल स्पीड में गैस आ रही होती है कि अगर जिसके पास एक चूल्हा या दो चूल्हे भी है ना, तो वो ये सोचता है कि एक वक्त में वो क्या कुछ, उसके हाथ 10 हाथ हो जाए, 20 हाथ हो जाए। वो जल्दी जल्दी जो है ना, लेडीज़ की ख्वाहिश होगी कि वो फ़ौरन पका ले, परेशानी ना हो। लेकिन आप ये सोचो, कहाँ 3 बजे और 6 बजे, 6:45 एक तरीके से 6:45 के करीब करीब ही हैं हम लोग। जो रोज़ा खुल रहे इतनी जल्दी भी बना के हम रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा, बहुत कुछ ख्याल भी आता है। फिर ये सोचने चलो थोड़ा ठंडा खा लेंगे, लेकिन पक जाएगा। बट 5 बजते ही वो गैस जो एकदम 3 बजे स्पीड में आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नो कहाँ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। इन लोग को रमज़ान का एहतराम नहीं है और ना ही खौफ खुदा है। मेरी तो सिर्फ एक ही चीज़ है सोचती हूँ मैं, कि जिसको खौफ खुदा नहीं होगा वो हर बुरा काम करेगा। मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, मैंने इसीलिए मैं आराम से खड़ी हुई थी। मैंने यही सोचा था 3 बजे तो गैस आई है, उस वक्त मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था। उसके बाद यही सोचा था कि कुछ बना लेंगे जब तक नमाज़ पढ़ना हो, कुरान शरीफ पढ़ने, बीच में दूसरे भी कितने काम हैं आप लोग को पता है। अभी भी देखेंगे, दुपट्टा लगा दिया है नया उस पर, तो ये चीज़ सोचते हुए। लेकिन जिस वक्त मैं 4:30 आई हूँ तो गैस थी ही नहीं, तो मैंने इसलिए सिर्फ जो उस दिन समोसे बनाए थे मैंने वो फ्राई कर लिए हैं। पापड़ आज फ्राई नहीं होंगे। और उस दिन मैंने थोड़ी सी बूंदियाँ जैसी बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा दही को मिक्सचर जैसा बना के ना, कुछ चाट मसाला वगैरह डाल के दही बड़े बनानी है। बाकी खैर से रोज़ा खुल जाएगा, बात की बात में देखेंगे कि गैस कब तक आती है कब नहीं। आज कबाब का मसाला बनाने का भी सोच रही थी कि कबाब भी बनाने हैं, गोश्त रखा हुआ काफ़ी दिनों से, सोच रही थी कि कबाब बना लूँ। अक्सर सहरी में कभी, अभी तक चौथा रोज़ा हुआ है, अभी तक सहरी में हम लोगों ने कुछ खास, यानी ख़ास से मुराद कोई इतनी लाइट सहरी करते हैं तो दिन अच्छा रहता है। सहरी ज़रूरी है, सुन्नत रसूल है, लेकिन हल्की करेंगे तो हमारे लिए बेटर है, बनिस्बत इसके हम बहुत हैवी कर लें। लेकिन बट सबकी अपनी अपनी आदत होती है, किसी को हैवी खाना पसंद होता है, किसी को लाइट। तो हम मैंने यही सोच के मैंने सोचा आज कबाब बना के रख लूँगी, तो उससे ये होगा कि सहरी में अगर कभी दिल चाहे, सहरी के अलावा भी दिल चाहे, तो बंदा फ्राई करके यानी आफ्टर इफ्तार खा सकते हैं। और रमज़ान की रातें भी बहुत रौनक होती हैं, तरावी, तरावी के बाद जो है थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया या खाना पीना हो गया, फैमिलीज़ में फ़ोन पे बात हो गई, उसके बाद रात जागने की ही है। अभी जबकि ताक रातें शुरू नहीं हुई है, लेकिन बहुत 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 मुझे रमज़ान हमेशा से बहुत पसंद है। फ्रूट्स की कीमत हाई फाई चल रही है, लेकिन मुझे फ्रूट्स की टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ केले खाऊँगी या फिर खरबूज़ा। हमने यही सोचा भाई कम से कम खाएँगे, दस्तरखान में कुशादगी अच्छी बात है, लेकिन
बहुत सारा खरीद के जो बहुत महंगा बेच रहे हैं ना, उनके कारोबार नहीं चलाने, बाकी अल्लाह पाक ने जिसकी रोजी जैसे लिखी है। फिलहाल जुनैद गए हैं गैस भरवाने, जुनैद आते हैं, जुनैद से आप लोग से स्टार्टिंग में मिल चुके हैं आज। उन्होंने हम लोग पता है कि सहरी के बाद जो है ना यहाँ पे लेट के सो जाते हैं, तो ये ज़मीन है ना उस पर प्लास्टिक और एक मोटे दरी यानी कालीन जैसे ही बिछा हुआ है, तो इतनी आदत नहीं है ज़मीन पर लेटने की। तो मैंने सोचा वो लिहाफ जो जुनैद आपने देखा स्टार्टिंग में देखेंगे वो झाड़ रहे थे ना, वो बिछा के उस पर चादर बिछा के लेटेंगे तो ईजिली लेटा जाएगा। सो व्यूअर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं, थोड़ी देर बाद रोज़े के इफ्तार का टाइम हो जाएगा, दुआओं का टाइम हो जाएगा, तस्बीहात का टाइम है। मैंने सोचा आपसे सलाम दुआ कर लूँ उसके बाद तस्बीहात करूँगी, बिकॉज रोज़े के फ़ौरन बाद जो है मेरे पास ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे।